महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने सब 4 मीटर सेगमेंट या अपनी मोस्ट पॉपुलर XUV 3XO का फेसलिफ्ट वर्जन है वो जल्दी लेके आने वाली है। इसमें कंपनी कुछ ऐसे फीचर प्रोवाइड करवाएगी जो सेगमेंट में पहली बार रहेंगे। क्या इसकी लॉन्च डेट रहेगी, क्या इसकी प्राइस रहेगी, ये सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। साथ ही बात करेंगे पिछली वीडियो के दौरान आए लोगों के कमेंट्स की। तो बहरहाल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बात करते हैं। तो कंपनी अब इसके अंदर एडास सिस्टम आपको सेगमेंट में पहली बार प्रोवाइड करवा के देगी। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आपको नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा के अंदर 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, सेगमेंट में पहली बार या फिर कह लीजिए मारुति पहली बार अपनी गाड़ी के अंदर सनरूफ प्रोवाइड करवा रही है। तो ये सब 4 मीटर सेगमेंट है, काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव सेगमेंट माना जाता है। इसमें सभी कंपनियों की कह लीजिए या फिर सभी कंपनियों की गाड़ियां आती है। तो हर किसी कंपनी को अपनी गाड़ी सेल्स करने के लिए काफी ज्यादा फीचर लोडेड या फिर कह लीजिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी गाड़ी को सेल्स करने के लिए। तो सेगमेंट में पहली बार ऐसे फीचर वो एड ऑन किए जाते हैं। जैसे सनरूफ वगैरह तो ऑलरेडी XUV 3XO के अंदर आती थी, लेकिन अब इसके अंदर आपको एडास सिस्टम भी मिलेगा और साथ ही आपको 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है। सो हेलो एवरीवन, चोबेयावन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अब बात करें इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो कंपनी ने इसको बिल्कुल ही है वो चेंज कर दिया गया है। आपको रीडिजाइन बंपर मिलेगा, आपको नए एलईडी हेडलैम्प मिलेंगे। पहले आपको एलोजन देखने को मिलते थे, लेकिन अब इनको कंपनी एलईडी के अंदर प्रोवाइड करवाएगी। आपको नए रेडिएटर ग्रिल मिलेंगे और बीच में आपको नया महिंद्रा का लोगो मिलेगा। नीचे की ओर अगेन आपको एलईडी फॉग लैंप रहेंगे, पहले आपको हेलोजन मिलते थे, आगे की ओर रेडिएटर ग्रिल और नीचे की जो स्किड प्लेट है उसको भी कंपनी के द्वारा चेंज किया गया है। तो जो फ्रंट प्रोफाइल है उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। ये गाड़ी बेसिकली कॉपी की गई है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, टिवोली आती है एसयूवी सेगमेंट के अंदर, उसकी कॉपी की गई है। सेम एज इट इज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर टिवोली गाड़ी आती है। पीछे की जो रियर प्रोफाइल है इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, क्योंकि ये फ्रंट और रियर प्रोफाइल है जो मैच नहीं करती दोनों से ही। लेकिन नो डाउट आप कंपनी इसको बदलने का प्रयास कर रही है। रियर प्रोफाइल के अंदर भी आपको काफी ज्यादा चेंजेस मिलेंगे, आपको नया बंपर मिलेगा, नए आपके टायर मिलेंगे, वेपर वॉशर डिफोगर वगैरह पहले भी आपको मिलते थे अभी भी आपको मिलेंगे, पीछे की ओर आपको स्पॉइलर मिलेंगे। ऊपर की बात करें तो आपको स्पोर्टी रूफ रेल मिलने वाले हैं, सनरूफ आपको पहले भी इस मॉडल के अंदर मिलती थी अब भी मिलेगी। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको 17 इंच फुल टोन कलर के अंदर अलॉय व्हील मिलेंगे, ये आपकी रीडिजाइन अंदर रहने वाले हैं। नया आपको बीच के अंदर अलॉय व्हील में लोगो मिलेगा महिंद्रा का, जो काफी ज्यादा इसको प्रीमियम लुक है वो प्रोवाइड करवाता है। वार्मियम पे आपकी टर्न इंडिकेटर, साथ ही आपको 360 डिग्री कैमरा की हाउसिंग मिलेगी। अब इस मॉडल के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है, क्योंकि सेगमेंट किंग विटारा ब्रेजा के अंदर भी आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है महिंद्रा को भी इस गाड़ी के अंदर देना पड़ेगा। और बात करें तो आपको एडास सिस्टम भी अभी इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है, जो ऑलरेडी आपने XUV 700 के अंदर देखा है, जो काफी ज्यादा महिंद्रा ने टेस्टिंग कर लिया है। तो अब वो अपनी सभी गाड़ियों के अंदर देंगे, क्योंकि अगर वो इस गाड़ी के अंदर देती है तो सेल्स है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी एडास सिस्टम देने से। XUV 3XO के साइड प्रोफाइल की बात करें तो ऐसे कोई बड़ा चेंजेस आपको साइड में देखने को नहीं मिलेगा, कुछ कॉस्मेटिक चेंज है वो किया गया है। बात करें इस गाड़ी के डायमेंशन की, तो ये सब 4 मीटर सेगमेंट के अंदर आती है। तो इसकी लेंथ रहेगी 3995 mm, विड्थ रहेगी 1821 mm, हाइट रहेगी 1627 mm और 2600 mm का आपको व्हील बेस मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको 42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। मार्केट के अंदर ये गाड़ी सीधा सीधा कम्पीट करती है मारुति विटारा ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, निसान मैग्नाइट और टोयोटा की अर्बन क्रूजर के साथ में। और साथ ही ये गाड़ी आपको सेगमेंट में सबसे कम बूट स्पेस है वो प्रोवाइड करवाती है। तो इस गाड़ी का आप बूट स्पेस भी है वो भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अब इंटीरियर के फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी सेगमेंट में पहली बार ऐसी गाड़ी थी जो आपको डुअल जोन एसी कंट्रोल है वो प्रोवाइड करवाती थी, जो इस बार लगता है मे बी कंपनी डिसकंटिन्यू कर दे। पहले आपको हीटेड ORV मिलते थे, जो भी कंपनी ने अब डिसकंटिन्यू कर दिया, आपको अब के मॉडल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे XUV 3XO के अंदर, क्योंकि ये इतना ज्यादा फीचर नहीं है जो इंडियन लोग हैं वो देख के खरीदें। अब बात करें ऐसे फीचर की जो आपको न्यू XUV 3XO के अंदर मिलने वाले हैं। आपको कॉर्नर ब्रेक कंट्रोल मिलेगा, सीट बेल्ट रिमाइंड विद को ड्राइवर मिलेगा, आपको 6 एयरबैग है वो आपको बेस मॉडल से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, एंटी थेफ्ट अलार्म मिलेगा, ऑल 4 डिस्क ब्रेक आपको चारों टायर्स के अंदर ऑलरेडी भी आते थे अभी भी आपको मिलेंगे, क्योंकि ये सेगमेंट में पहली गाड़ी है जिसके अंदर आपको चारों टायरों के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ABS EBD मिलेगा, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक मिलेगा, रियर डिफोगर वॉशर वाइपर आपको सभी सब 4 मीटर गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है, इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच ऐसा फीचर है जो आपको सेगमेंट किसी गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपका जो पैसेंजर साइड का जो एयरबैग है वो आपको स्विच है वो बंद कर सकते हैं। पैनिक ब्रेक सिग्नल मिलेगा, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मिलेगी, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक मिलेगा, इमोबिलाइजर, हिल स्टार्ट असिस्ट, साथ ही फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलेंगे जो सेगमेंट में किसी भी गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। ESP विद रोल ओवर मोटिगेशन मिलेगा, तो ये फीचर है जो सेगमेंट में किसी भी गाड़ी के अंदर आपने नहीं देखे होंगे, जो कुछ 5 से 6 फीचर है जो सेगमेंट में आपको किसी भी गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, जो आपको XUV 3XO के अंदर मिलेंगे। इंटीरियर में ऐसे कोई बड़ा बदलाव चेंजेस नहीं किया जाएगा, कुछ आपको सीट की अपहोल्स्ट्री वो जरूर चेंज की जा सकती है। आपको टॉप मॉडल
में लेदर सीट्स मिलती हैं, अगेन भी आपको लेदर सीट्स हैं वो मिलेंगी, कोई बड़ा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा वो सिर्फ एक्सटीरियर के अंदर ही देखने को मिलेगा, इंटीरियर में कोई बड़ा चेंजेस है वो नहीं किया जाएगा। अब इस गाड़ी के सस्पेंशन की बात करें, जो किसी भी गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कस्टमर अवॉइड कर देते हैं फीचर्स के चक्कर में, तो अब आपको बताऊं तो इसके अंदर आपको फ्रंट की ओर MacPherson स्टैंड मिलेगा विद एंटी रोल बार के साथ, पीछे की ओर आपको ट्विस्ट बीम सस्पेंशन विद कॉइल स्प्रिंग मिलेगी। टर्निंग रेडियस की बात करें तो इसके अंदर आपको 5.3 मीटर की टर्निंग रेडियस मिलेगा। साथ ही इसके टायर साइज की बात करें तो टॉप मॉडल के अंदर आपको 205x65/816 के अलॉय व्हील मिलेंगे, वहीं आपको बेस मॉडल के अंदर 205x65/816 के स्टील व्हील मिलेंगे। अब बात करें इस गाड़ी के कलर ऑप्शन की, तो टोटल 5 कलर के अंदर आपको ये गाड़ी अवेलेबल होने वाली है, रेड, व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक और ग्रीन कलर के अंदर। ग्रीन कलर है वो सेगमेंट में पहली बार ऐसा कलर रहेगा जो कंपनी लॉन्च करने वाली है। अब बात करें इस गाड़ी के प्राइस और लॉन्च डेट की, कि कंपनी कब इस गाड़ी को लॉन्च करने वाली है और इसकी क्या प्राइस रहेगी। तो जब ये गाड़ी लॉन्च की गई थी तो ये इस सेगमेंट के अंदर ये काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड गाड़ी लगती है। सेगमेंट में विटारा, ब्रेजा, नेक्सॉन वगैरह गाड़ियां हैं उससे काफी ज्यादा महंगी आपको ये गाड़ी लगती है, क्योंकि जिसका टॉप मॉडल वो आपको 14-15 लाख रुपए का पड़ता है। तो 14-15 लाख रुपए में कोई भी आदमी सब 4 मीटर सेगमेंट की गाड़ी लेना पसंद नहीं करता है। तो इस बार इसकी प्राइस है वो थोड़ा कम रखने का प्रयास किया जाएगा। जैसे हमने XUV700 के अंदर देखा था कि कंपनी ने इसकी जो नई XUV700 की प्राइस थोड़ी कम रखी है, उसी प्रकार से अब ये XUV300 उसकी प्राइस को थोड़ा कम रखने का कंपनी प्रयास करेगी कि सेल्स को इंक्रीजेशन को बढ़ाया जा सके। साथ ही इसके लॉन्च डेट की बात करें तो ये गाड़ी लॉन्च होगी विटारा ब्रेजा के साथ में। विटारा ब्रेजा आपकी अप्रैल की सेकंड वीक के अंदर लॉन्च होने वाली है, उसी के आसपास आपकी XUV300 लॉन्च होगी। काफी बार इसको टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट भी किया गया है और जल्दी आपकी ईवी के अंदर भी आने वाली है। अभी जो पिक्चर देख रहे हैं ये ईवी टेस्टिंग के दौरान है। जल्दी XUV300 कंपनी ने हाल ही में महिंद्रा ने ये रिवील किया था कि वो ईवी के अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं। टाटा नेक्सॉन ईवी की तरह आपको XUV300 भी ईवी के अंदर जल्द आने वाली है, सीएनजी का में भी आपको नहीं आएगी। अब इसके इंजन ऑप्शन की बात करें कि XUV300 के अंदर आपको कौन कौन से इंजन मिलते हैं। इसके अंदर आपको दो इंजन मिलते हैं, टर्बो पेट्रोल और टर्बो डीजल। पहला आपको मिलता है 1.5 लीटर 1197 cc 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो 116 bhp पावर जनरेट के साथ 300 Nm का हुड टॉर्क है वो जनरेट करके देता है। ये आपको 6 स्पीड मैनुअल और ऑटो शिफ्ट के साथ में आपको मिलेगा। दूसरे इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर 1197 cc 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 81 kW की पावर जनरेट करके देता है 5000 rpm पर और 200 Nm का हुड टॉर्क जनरेट करके देता है 2000 से 3500 rpm पर। ये आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ नहीं मिलता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि XUV300 एक ऐसी गाड़ी है सेगमेंट में, पहली ऐसी गाड़ी है जो आपको सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड करवा के देती है डीजल इंजन के अंदर। यह आपको सेगमेंट में पहली बार 300 Nm का टॉर्क वो जनरेट करके देती है, जो सब काफी ज्यादा अच्छा टॉर्क है माना जाता है किसी सब 4 मीटर गाड़ी के लिए। तो ये कुछ फीचर्स थे जो आपको फेसलिफ्ट XUV300 के अंदर आने वाले हैं। अब बात करें पिछली वीडियो के दौरान आए लोगों के कमेंट्स की, अगर आपकी भी कोई क्वेरी है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, किसी भी गाड़ी को अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं, फिर आपको आने वाली गाड़ी से लेकर कोई भी रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप मेरी किसी वीडियो कमेंट के अंदर डालिए। मैं डेली वीडियो बनाता हूं और आपका कमेंट में शामिल करके आपका सवाल का जवाब दूंगा। युवराज सिंगला कहते हैं क्या नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा में हेड अप डिस्प्ले मिलेगा। अभी युवराज कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं भी आपको कंपनी दे सकती है अपनी गाड़ी की सेल्स बढ़ाने के लिए। अभी कोई कंफर्म नहीं है, ना ही कोई पिक्चर्स वगैरह आई है। जब भी कंफर्म हो जाएगी कि आपको ब्रेजा के अंदर हेड अप डिस्प्ले मिलने वाली है, मैं जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा। जल्दी चैनल के ऊपर टोयोटा ग्लेंजा के फेसलिफ्ट वर्जन के भी वीडियो आने वाली है कि आपको कंपनी फेसलिफ्ट वर्जन के अंदर कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करवाने वाली है। ग्लेंजा की वीडियो कल आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं आप मिस ना कर दें उस वीडियो को। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।